और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर जयपुर के ओटीएस में आयोजित किए जा रहे चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओटीएस पहुंचे हैं और चिंतन शिविर में मंत्री और अफसरों के ग्रुप बनाए गए हैं। गहलोत सरकार विधानसभा सत्र के बजट सत्र में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों और कॉलेजों पर शिकंजा कसने जा रही है। मनमानी फीस सहित अन्य मामलों को लेकर सत्र में एक बिल लेकर आ रही है। इस बिल में ऐसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट कोचिंग संस्थान पर लगाम कसी जाएगी जो छात्रों से मनमानी फीस वसूलते हैं। इसके साथ ही पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि जनता को ठगने वाले ऐसी सोसाइटी पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी पर भी शिकंजा कसा जाएगा। वहीं सरकार में भ्रष्टाचारियों पर अभियोजन स्वीकृति के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा लाइव कनेक्ट हैं। नरेश जी, देखिए एक वाक्य का जिक्र यहां करना चाहेंगे। कल जब चिंतन शिविर की शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वाक्य कहा कि अगर आज जानकारी नहीं है तो कल जानकारी लेकर आए। ऐसे अफसरों को फटकार भी लगाई गई। आज किस तरह से तैयारी की गई है चिंतन शिविर को देखते हुए, क्योंकि अफसरों ने आज ज्यादा तैयारी भी की होगी? देखिए, जो चिंतन शिविर है आज उसका दूसरा और आखिरी दिन है। कल विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई थी, आज भी करीब 17 विभाग है उनकी सेक्टर वाइज समीक्षा होगी। सबसे पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके किस तरह से काम हुआ है उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। जो यूडीएच विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न काम हुए हैं, विभिन्न खासकर जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था, विभिन्न जो आवासीय योजनाएँ शुरू की गई थी, अन्य जो प्रोजेक्ट है यूडीएच विभाग के तहत शुरू किए गए थे, उन तमाम प्रोजेक्ट की जानकारी शांति धारीवाल अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दे रहे हैं। 11 बजे का वक्त था इस बैठक के शुरू होने का, तय समय पर बैठक शुरू हुई है। हालांकि हमने आज भी ये देखा है कि जो कुछ मंत्री है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने के बाद यहाँ पे आए हैं, देरी से आए हैं, लेकिन जो बैठक है वो तय समय पर शुरू हो गई है। आज देर शाम तक विभिन्न सेक्टर की कह सकते हैं कि यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे पहले जो मैंने बताया कि यूडीएच विभाग उनकी चल रही है, इसके अलावा जो सामाजिक न्याय विभाग है, पंचायती राज विभाग है, जलदाय विभाग है, इन तमाम विभागों की आज समीक्षा होगी, उनका प्रेजेंटेशन होगा। कल जिस तरह का प्रेजेंटेशन हुआ था, करीब 13 घंटे तक चिंतन शिविर चला था, ऐसा पहली बार हुआ है इन 4 सालों में जब पूरी सरकार एक साथ 13 घंटे तक एक जगह बैठी हो, मंथन किया हो, विभिन्न विभागों की समीक्षा की हो। और ये जो तरीका है इस बार जो समीक्षा का, वो अलग तरह का है। अब तक हमने देखा था कि जो अफसर होते हैं वो अपने विभाग की रिपोर्ट पेश करते हैं और उसके बाद जो मंत्री है और मुख्यमंत्री उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बार तरीका बदल दिया है। इस बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने जब हमसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो कल का जो प्रेजेंटेशन था वो संतोषजनक था और तमाम जो मंत्री है उन्होंने बेहतर तरीके से अपने विभाग की बारे में जानकारी दी, वो जो विभिन्न बजट घोषणाएं की थी उनकी क्रियान्विति किस तरह से हुई है इसकी जानकारी दी, जो जन घोषणा पत्र था उसमें जो वादे किए थे 500 से अधिक उनमें किस तरह से उन वादों को पूरा किया गया है, करीब 77% जो वादे हैं उनको पूरा किया गया है उनकी जानकारी दी। और साथ में जो विभिन्न फ्लैगशिप योजना है उन फ्लैगशिप योजना को लेकर किस तरह से क्रियान्विति की जा रही है, कैसे जनता तक उसका लाभ पहुँचाया जाए और किस तरह से एक मैकेनिज्म बनाया जाए उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। आज जो मुख्य बात जो मुख्यमंत्री ने कही है बैठक शुरू होने से पहले पेपर लीक मामले में, जब हमने उनसे सवाल किया था पेपर लीक मामले में कि जिस तरह से कल सचिन पायलट ने एक सभा में कहा था कि दलालों के साथ सरगनाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, जब इसके बारे में पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरगनाओं पे ही कार्रवाई की है, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के नेताओं को कोई और नाम ध्यान है तो वो बता दें, उन पे भी कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ जीरो टॉलरेंस है और हमने जो सरकार ने जो काम किए हैं पेपर लीक वाले मामले में, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी तक की है, बुलडोजर चलाया है, जो साफ ये संदेश है कि सरकार इस मामले में
किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं देगी और तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो विभिन्न कानून बनाए जाने हैं, विभिन्न विधेयक लाए जाने हैं आने वाले विधानसभा सत्र में, उसको लेके भी कल चर्चा हुई थी। आज भी जो कई मुद्दे उन पर चर्चा होगी, आज विशेषकर UDS के बाद में जो एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष लगातार जो है वो सरकार को घेरता है, और जब 23 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा तब भी विपक्ष की ये रणनीति रहेगी कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार पर हमला किया जाए। तो ऐसे में आज कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी, प्रेजेंटेशन होगा और किस तरह से सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, खासकर जो थानों में FIR जो अनिवार्यता की है उसको लेकर भले ही आंकड़ों के रूप में सरकार पर विपक्ष हमला करते हो, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि वो इससे डरते नहीं हैं, जो न्याय है वो सबको मिलना चाहिए। और कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से सरकार आगे कदम उठाए जानी है, खासकर जो संगठित अपराध हो रहे हैं, जो गैंगवार हो रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से और सख्ती की जाए, किस तरह से एक कानून व्यवस्था को माकूल बनाए रखने के लिए और कदम उठाए जाए। साथ में जो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पे नशे का एक कारोबार होता है, उस नशे के कारोबार को भी किस तरह से उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे आज की जो बैठक है उसमें चर्चा होगी। करीब 5 बजे तक जो है आज ये चिंतन मंथन चलेगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन में जो भी चिंतन मंथन हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे फिर से, और क्या इस चिंतन शिविर के बाद में कुछ एक्शन प्लान तैयार किया गया है, उस एक्शन प्लान के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो चिंतन शिविर है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो तमाम विभागों की जानकारी है वो मिली है कि उन्होंने किस तरह से कार्रवाई काम किया है, जो मंत्री है उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी देखा जा रहा है यहाँ पे कि मंत्रियों ने अपने विभागों में किस तरह से काम करवाया है। साथ में बजट आने वाला है तो बजट के लिए विभिन्न जो सलाह है यहाँ पे मंत्री दे रहे हैं, कुछ अफसर भी अपना फीडबैक देख रहे हैं, तो बजट तैयार करने के लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होगी। और चूँकि अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और करीब 1 महीने तक जब सत्र चलेगा तो विपक्ष कई मुद्दों के साथ सदन में आएगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तो इससे पहले की पूरी कह सकते हैं प्री तैयारी जो है वो सरकार ने कर ली है, विभिन्न विभागों के बारे में देख लिया है, जो बजट घोषणाएं की है उनकी क्रियान्वित किस स्तर तक पहुंची है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि करीब 90% जो बजट घोषणाएं हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, और करीब 86% जो बजट घोषणाएं हैं वो या तो पूरी है या प्रगतिरत है, जल्द ही पूरी हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक तैयारी सरकार ने अपने स्तर पर कर ली है। चूँकि चुनावी साल है, महत्वपूर्ण साल है, और सरकार को अब ये चिंतन मंथन के बाद विधानसभा में जाना है, विधानसभा के सत्र को फेस करना है, तो ऐसे में सरकार उसके लिए पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। और साथ में जो फ्लैगशिप योजना है, 5 प्रमुख फ्लैगशिप योजना है जिसकी देश भर में चर्चा है, जिसकी राहुल गांधी ने चर्चा की थी जब अलवर में वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सभा की थी, तब भी उन फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा की थी। तो इन फ्लैगशिप योजनाओं का जो जनता के लिए बनी है उनको जनता को लाभ कैसे पहुँचे, ग्रामीण स्तर पर कैसे लाभ पहुँचे, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे लाभ पहुँचे, इसको लेके भी यहाँ पर जो है वो चर्चा है। एक जो इस चिंतन शिविर का खास बिंदु है वो ये है कि जब प्रेजेंटेशन होता है मंत्रियों का, उसके बाद करीब 30 मिनट का ओपन सेशन होता है, उस ओपन सेशन में बाकी जो मंत्री है वो उस विभाग से जुड़े कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई जानकारी लेनी हो जानकारी ले सकते हैं, कोई फीडबैक उन्होंने अपनी जो जिलों के दौरों के दौरान जो फीडबैक उनको मिला है वो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और सिर्फ मंत्री ही नहीं, अन्य विभागों के जो अफसर है वो भी अपनी राय है, अपना फीडबैक है उसके बारे में दे सकता है, यानी कि फाइन ट्यून करने का काम यहाँ पे हो रहा है। कल भी हमने देखा था कई ऐसे बिंदु थे, चाहे वो ERCP का मामला हो, चाहे सड़क बनाने का मामला हो, चाहे जो स्कूलों का मामला हो, जिसमें यहाँ तक बात आई थी कि कई जगह जो इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खोली गई है लेकिन वहाँ पे कई परेशानी आ रही है, कई स्कूलों में टीचर नहीं है, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोली गई है वहाँ पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनको जबरन TC दी जा रही है, ये कई ऐसे बिंदु है वो आए थे। और ये इसलिए आ रहे हैं कि जब चिंतन मंथन होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें रखी जाती हैं, जो फीडबैक आता है तो उस फीडबैक के आधार पर कैसे सरकार और सुधार करे विभिन्न योजनाओं में, अपनी क्रियान्विति में, इन तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे हो जाती है। इसी कारण से इसका नाम भी चिंतन शिविर है कि पूरी तरह से हर मुद्दे पे यहाँ पे राय रखी जाए,
और जो भी कोई फीडबैक आया है, कोई नकारात्मक फीडबैक भी आया है, तो उसको किस तरह से उसको सुधार किया जाए, जनता ने कोई अपनी परेशानी बताई है तो उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, खासकर चिकित्सा सेक्टर में जो कल चर्चा हुई थी, एजुकेशन सेक्टर में चर्चा हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर चर्चा हुई थी, तो इसमें कई ऐसे बिंदु आए थे जिनमें मंत्रियों ने अपनी राय दी थी, अधिकारियों ने भी अपनी राय दी थी। अब उसके आधार पर एक पूरा एक्शन प्लान तैयार होगा और ये चिंतन शिविर यहीं तक ही खत्म होने वाला नहीं है। करीब एक महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से रिव्यू करेंगे कि चिंतन शिविर के दौरान जो एक्शन प्लान तैयार हुआ था उसको किस तरह से उसको लागू किया गया है, क्या उस पर काम हुआ है, क्योंकि इस दौरान विधानसभा भी चलेगी तो और भी कई जो मुद्दे हैं वो सामने आएंगे। लेकिन खासकर जो देखिए, जब चिंतन होता है, मंथन होता है तो फाइनल आउटपुट भी निकल कर आता है सामने कि आखिरकार समस्या कहाँ है और कहाँ समस्याओं का निपटारा किस तरह से करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी।